तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो तरह के टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, लेकिन लिखवाया कुछ नहीं था, समझा सब कुछ दिया था, ठीक है। तो आज काम करना है सिर्फ लिखने का, तो कैपिटल ए टॉपिक बनाओ जाइलम। पहले मैं बात करूंगा जाइलम की, तो मुझे बताओ जब हम किसी भी टिश्यू की बात करते हैं तो टिश्यू बनता किससे? सेल से बनता है भाई, अलग अलग तरह के सेल को इकट्ठा करके क्या बना दिया जाता है? टिश्यू बना दिया जाता है। तो लिखो, लिखो जाइलम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू। मैंने पहले बताया था कि एक प्रकार का कैसा टिश्यू होता है, कंडक्टिंग, मतलब ये कंडक्ट करने में मदद करता है, वाटर को हर हिस्से तक कंडक्ट करता है, कनेक्ट करता है। जाइलम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू एंड इट कॉन्स्टिट्यूट, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एंड इट कॉन्स्टिट्यूट मैनी सेल्स, इट कॉन्स्टिट्यूट मैनी सेल्स। देखो वैसे तो इसके अंदर कई सारे सेल्स होते हैं, लेकिन जितने भी सेल होते हैं सारे के सारे सेल कैसे होते हैं? थिक वॉल के होते हैं, मतलब उनके चारों ओर की जो लेयर होती है वो काफी मोटी होती है, ठीक है, मोटी होती है। कुछ सेल्स तो लिविंग होते हैं और ज्यादातर सेल्स कैसे होते हैं? डेड होते हैं, ध्यान रखना। जाइलम और फ्लोएम में एक डिफरेंस है, फ्लोएम में तो सारे सेल लिविंग होते हैं, लेकिन यहां पर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं डेड होते हैं। तो लिख लो, इट कॉन्स्टिट्यूट मैनी सेल्स, लिख लो, द सेल्स ऑफ जाइलम टिश्यू आर थिक वॉल्स, द सेल्स ऑफ जाइलम टिश्यू आर थिक वॉल्स, जाइलम टिश्यू आर थिक वॉल्स, थिक वॉल्स एंड मैनी ऑफ दैम, एंड मैनी ऑफ दैम डेड सेल्स, मैनी ऑफ दैम डेड सेल्स, मतलब उनमें ज्यादातर डेड होते हैं, मैनी ऑफ दैम डेड सेल्स, ठीक है। अब उनमें से कुछ के नाम लिखेंगे, तो नोट के अंदर लिखो कुछ के नाम। नंबर वन, तो मैं कुछ के नाम लिखवा रहा हूं, लिखो ट्रैकेट्स, बोर्ड पे लिख देता हूं, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ट्रैकेट्स कॉमा, नंबर एक ही पॉइंट में लिखते चलो, ट्रैकेट्स कॉमा वेजल्स, ये जाइलम के अंदर के सेल लिखवा रहा हूं, वेजल्स कॉमा जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा नीचे लिख रहा हूं, पूरा एक ही नाम है, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, कॉमा जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूं, ठीक है। देखो ये जो दो सेल होते हैं, ये वाले स्टार्टिंग के, इन दोनों सेल का स्ट्रक्चर है ना ट्यूब जैसा होता है, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इनका, ट्यूब जैसा लंबा, रोड शेप जैसा, ये बात नंबर टू में लिख लो, लिखो ट्रैकेट्स एंड वेजल्स आर, ट्रैकेट्स एंड वेजल्स आर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ट्रैकेट्स एंड वेजल्स आर, बोर्ड पे लिखा हुआ है ट्यूबुलर, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब जैसा, ट्रैकेट्स एंड वेजल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स।
ठीक है। और तुम्हें मालूम है लगभग सभी सेल्स के क्या काम करते हैं? लिक्विड ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये बात मैंने लास्ट क्लास में समझा दी थी। लिक्विड, वाटर, मिनरल्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करने का काम किसकी जिम्मेदारी होती है? जाइलम की। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, नंबर थ्री। नोट के अंदर ही चल रहा है, लिखो नंबर थ्री में। इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्रॉम रूट्स मतलब जड़ों से लेकर प्लांट के हर एक हिस्से तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जाइलम की होती है। फ्रॉम रूट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। फ्रॉम रूट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। रूट से लेकर प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पानी पहुंचाने का ठेका किसका होता है? जाइलम का। ठीक है, अब लिखो कैपिटल बी, फ्लोएम। ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो लिखो फ्लोएम इज अ कनेक्टिंग टिश्यू, सॉरी कंडक्टिंग। वैसे तो कंडक्टिंग बोलो या कनेक्टिंग बोलो एक ही बात होती है। फ्लोएम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स, जिसमें क्या होते हैं? लिविंग सेल्स। वैसे इसके अंदर ज्यादातर लिविंग सेल्स होते हैं, एक दो ही ऐसे हैं जो डेड सेल होते हैं, ठीक है, ना के बराबर। मतलब फ्लोएम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू विच कंसिस्ट, फ्लोएम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू विच कंसिस्ट लिविंग सेल्स, विच कंसिस्ट लिविंग सेल्स एक्सेप्ट, मतलब सिर्फ इसके अलावा जो मैं लिखवाने वाला हूं। एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा। तो लिख लो एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। ये वाले सेल ऐसे होते हैं जो डेड होते हैं, किसके अंदर? फ्लोएम के अंदर। फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, अब लिखो नोट के अंदर कुछ खास बातें, आखिर कौन कौन से सेल इसमें होते हैं। ठीक है, लिखो नंबर वन, लिखो द सेल्स ऑफ फ्लोएम, द सेल्स ऑफ फ्लोएम आर सीव ट्यूब्स। बोर्ड पे लिखा हुआ है द सेल्स ऑफ फ्लोएम आर सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स कॉमा कंपेनियन सेल्स। ये किसके सेल लिखवा रहा हूं मैं? फ्लोएम के कंपेनियन सेल्स कॉमा फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर पहले से भी लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये रहा फ्लोएम फाइबर कॉमा फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये कुछ सेल्स होते हैं फ्लोएम के। तो अब लिखना नंबर टू नोट के अंदर कि फ्लोएम का काम क्या होता है। तो ये बात मैंने पहले ही बता दी है कि फ्लोएम पूरे प्लांट को क्या ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है? फूड मटेरियल। और तुम्हें मालूम है फूड चाहे एनिमल की बात करो चाहे प्लांट की बात करो, हर किसी के लिए कितनी जरूरी चीज है ना। तो लिखो नंबर टू, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट।
टू वेरियस प्लांट, टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट।